आप किसी बैंक में खाता खुलवाते हैं और बैंक की तरफ से कहा जाए कि महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 50 बार ही आपके इस सेविंग्स अकाउंट में पैसे आएंगे तो आपको कैसा लगेगा? आप सोचोगे यार ऐसा कोई लिमिट तो है ही नहीं, लेकिन ऐसा लिमिट है, वो भी पेटीएम पेमेंट बैंक के तरफ से ये लिमिट लगाई गई है और उन्हीं के तरफ से लोगों को सूचना दिया जा रहा। पेटीएम पेमेंट बैंक के नियम के मुताबिक बता दूं कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट में महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 50 बार ही पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, यानी जो क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन है उसकी लिमिट 50 है। हालांकि सभी को अभी ये लिमिट के बारे में नहीं बताया गया है, हाँ किसी किसी को बताया जा रहा जिनके खाता पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। फिलहाल एक बात याद दिला दूँ आपको कि बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें पेटीएम पेमेंट बैंक के सेविंग्स अकाउंट सेक्शन में सेविंग्स अकाउंट को करेंट अकाउंट में अपग्रेड करने का ऑप्शन दिया गया था और बिल्कुल फ्री में आप लोग अपग्रेड भी कर पाए थे और जो नहीं करना चाहते थे वो नहीं किए। लेकिन अब जो है पेटीएम नोटिस भेज रही है, ये नोटिस आप देख सकते हैं जो पेटीएम की तरफ से भेजा गया है अकाउंट अपग्रेड करने का नोटिस, जिसमें पेटीएम ने लिखा है कि आपका जो सेविंग्स अकाउंट है उस पर देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन है उसके बारे में बात कर रहा हूं, मतलब ज्यादा से ज्यादा बार आपके खाते में पैसे आए हैं, जो कि चाहे 10 रुपया हो या फिर बड़े अमाउंट हो या फिर छोटे अमाउंट हो, इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। और ये कहा गया है कि 1 मई 2023 को आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो अपग्रेड कर दिया जाएगा करंट अकाउंट में। यदि आप चाहते हैं कि आपका सेविंग्स अकाउंट करंट अकाउंट में अपग्रेड ना हो तो इसके लिए आई डू नॉट वॉन्ट अपग्रेड पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन नो करने से पहले एक बात और जान लीजिएगा कि आपका खाता पर जो है लिमिट लगाया गया है और वो लिमिट रहेगा 50 ट्रांजेक्शन, जो क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन है वही, मतलब आप अपने इस सेविंग्स अकाउंट पर 50 बार से ज़्यादा पैसे रिसीव करेंगे तो आपको करंट अकाउंट में अपग्रेड करना पड़ेगा, इसलिए ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट को करंट अकाउंट में अपग्रेड करना चाहती हैं तो एग्री पर क्लिक करें और ये ऑप्शन जो है पेटीएम के सेविंग्स अकाउंट सेक्शन में आपको दिख जाएगा पेटीएम ऐप पर। लेकिन सभी को अभी नहीं मिल रहा, किसी किसी लोगों को ये नोटिस मिला है और किसी किसी लोगों को ही अकाउंट अपग्रेड करने का ऑप्शन दिया गया है। अब बात करते हैं पेटीएम के करेंट अकाउंट के बारे में। देखो पेटीएम का ये कहना है कि जो सेविंग्स अकाउंट पर आपको बेनिफिट मिल रहा है वही आपको करेंट अकाउंट पर भी बेनिफिट मिलेगा और जो आपका करेंट अकाउंट रहेगा वो इंडिविजुअल करेंट अकाउंट रहेगा। पेटीएम का ये भी कहना है कि जो सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज दर हम दे रहे हैं वही आपके करेंट अकाउंट पर भी देंगे जब आप अपग्रेड करेंगे। लेकिन क्या पता आगे आने वाले दिनों में पेटीएम जो है करेंट अकाउंट पर आपको इंटरेस्ट रेट ना दे, इंटरेस्ट ना दे, क्योंकि करेंट अकाउंट पर ऐसे भी इंटरेस्ट लागू नहीं होती है। वैसे यह भी हो सकता है कि यह वीडियो अगर आप देर से देख रहे हैं तब तक करेंट अकाउंट जो अपग्रेड करेंगे उस पर मिलने वाले ब्याज दर कम कर दिया जाए या फिर बंद कर दिया जाए। पेटीएम का यह भी कहना है कि आप NEFT, UPI, RTGS जो भी मनी ट्रांसफ़र की सर्विसेज है वो आप यूज कर पाएंगे, जो आपके पास डेबिट कार्ड है वो डेबिट कार्ड आप यूज कर पाएंगे, अकाउंट नंबर जो आपका है वही अकाउंट नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर जो लिंक है वही मोबाइल नंबर लिंक रहेगा, सिर्फ आपका सेविंग्स अकाउंट अपग्रेड किया जाएगा करेंट अकाउंट में, अंदर ही अंदर वेरियंट चेंज कर दिया जाएगा, अंदर ही अंदर अपग्रेड कर दिया जाएगा इंडिविजुअल करेंट अकाउंट। तो पेटीएम का ये नियम मुझे अच्छा नहीं लगा, कि आपको कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस नियम के बारे में मैं आपको बताऊं तो सभी को अभी ये ऑप्शन नहीं दिया जा रहा अपग्रेड करने का, लेकिन काफ़ी लोग पहले किए हैं जिनको ऑप्शन दिया गया था और अब जो है ये नोटिस भी पेटीएम जारी कर रही है उन लोगों को जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेविंग्स अकाउंट में पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रहा, उनको ये नोटिस दिया जा रहा। वैसे मैं आपको बताऊं अगर इस जगह पर मैं होता और मुझे नोटिस मिला होता तो हम दो ही चीज करते भाई, या तो हम अपने सेविंग्स अकाउंट को अपग्रेड कर लेते करेंट अकाउंट में, नहीं तो हम क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन को कम कर देते और दूसरा अकाउंट इस्तेमाल करते। वैसे एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग्स अकाउंट में ऐसा कुछ रूल देखने को नहीं मिला, आराम से हम लोग क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, और काफ़ी सारे पेटीएम पेमेंट बैंक के सेविंग्स अकाउंट ऐसे भी होंगे जिस पर ये रूल लागू नहीं हुआ होगा। बहुत लोग आप ही में से अभी
ऐसे भी होंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन को कर रहे होंगे। वैसे इस पर आपका क्या कहना है वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। नियम के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया है, उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक करके अपने साथी दोस्तों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।